नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त सूरजपुर से बड़ी घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में किसान की मौत। सूरजपुर में सुबह खेत पर गया था किसान, 20 हाथियों के झुंड से हो गया सामना। 20 एकड़ धान और गन्ने की फसल को भी रौंदा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मंगलवार सुबह हाथियों ने वन क्षेत्र के गाँवों में हाथियों ने धावा बोल दिया। गाँवों में घुसे हाथियों ने 20 एकड़ धान और गन्ने की फसल चौपट कर दी। इस दौरान खेत में जा रहे एक ग्रामीण को भी कुचलकर मार दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और हाथियों के दल की निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि दल में 20 हाथी हैं जो अभी भी गांवों में डेरा जमाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम करौटी के भी गांव में सुबह करीब 5 बजे हाथियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान किसान रामनाथ पैकरा अपना खेत देखने के लिए बुधिया पारा की ओर गया था, तभी हाथियों का दल आ गया और उसने उसे घेर कर हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से रामनाथ को भैयाथान अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 20 हाथियों का दल चेंद्रा के कोंढा पुरवा में गन्ने के खेत में रुका हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और रेंजर सहित वन अमले के साथ जिला पंचायत सदस्य लवकेश पैकरा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से बात की। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी में जुटी हुई है।